हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर वन एग्जामिनेशन चल रहे हैं। 13 मार्च का पेपर हुआ था चारों शिफ्ट में, तो की एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए लोग एवरेज में कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, कल रात वीडियो ये नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए अभी कर रहा हूँ एनालिसिस। और जो आज का एग्जाम होगा उसका एनालिसिस आज रात को ही मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर फॉर्म शेयर कर दिया जाएगा 6:30 बजे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट से कम में ही सारा रिव्यू हो जाएगा। टोटल जो लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेशन किया चारों शिफ्ट से लगभग 25%, तो ओवरऑल सेम से कैंडिडेट्स थे हमारे पास चारों शिफ्ट से। टोटल रिस्पॉन्सेज जो आए 1030 आए, उनमें से कुछ एंट्रीज रिपीटिटिव या फेक वो हटाई गई, और हमारे पास कुछ 900 एंट्रीज हैं, 980 के आसपास एंट्रीज हैं जिसके बेस पर मैं एनालिसिस करूंगा। 12% लोग ऐसे हैं जो यूनिक हैं सीएचएसएल में, 88% वो है जिन्होंने सीजीएल 2022 टीयर 1 भी दिया है। ठीक है, तो सी एच एस एल में ओवरऑल कॉम्पिटिशन अच्छा है ही, और इसलिए एवरेज अटेम्प्ट्स भी आप देखेंगे यहाँ पे लोगों का काफ़ी ज़्यादा आ रहा है सभी शिफ्ट्स के अंदर। अगर मैं देखता हूँ शिफ्ट वन के अंदर मैथ्स में एवरेज अटेम्प्ट कितने कितने हैं, करेक्ट अटेम्प्ट्स कितने लोग अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, और कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो शिफ्ट टू का मैथ्स का पेपर का लेवल है वो ओवरऑल सारी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कितने कितने एस्पिरेंट्स ने किस किस शिफ्ट से सर्वे में पार्टिसिपेशन किया, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड हमारे पास सिमिलरली रीजनिंग का डेटा है, एवरेज अटेम्प्ट्स, एवरेज करेक्ट अटेम्प्ट्स, एवरेज मार्क्स जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया सर्वे में। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस का है। ठीक है, यहाँ पे भी थर्ड शिफ्ट में लोगों ने सबसे कम अटेम्प्ट किया है जनरल अवेयरनेस में, और एवरेज करेक्ट अटेम्प्ट्स भी लोगों के 10 पॉइंट समथिंग ये हैं, जो कि बहुत मिनिमम है एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट एज वेल। ठीक है, और जबकि यहाँ पे एवरेज करेक्ट अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं लोग शिफ्ट 4 और शिफ्ट 1 के अंदर। ठीक है, इंग्लिश की बात करूं एवरेज अटेम्प्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एवरेज करेक्ट अटेम्प्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्क्स एवरेज में लोगों को कितने बन रहे हैं इंग्लिश में ये है। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे टोटल की, तो टोटल एवरेज अटेम्प्ट्स, टोटल एवरेज करेक्ट अटेम्प्ट्स, टोटल मार्क्स, तो शिफ्ट 2 में आप देखेंगे यहाँ पे जो एवरेज को जा रहा है वो 1636.52 के आसपास जा रहा है, जबकि शिफ्ट 1 में 145 तक भी टच कर रहा है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं ये वाली शिफ्ट जो शिफ्ट 2 है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड रही होगी कंपेरेटिवली शिफ्ट 1 के। ठीक है, इतना आइडिया लगाया जा सकता है। बाकी ये और दो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 4 थोड़ी आसपास की हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे मार्क्स एवरेज में किस शिफ्ट में किस सब्जेक्ट में लोग कितना कितना कर रहे हैं आप वो देख सकते हैं। उसके बाद फाइनली हमारे पास यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल लोगों ने क्या बताया। ठीक है, शिफ्ट 1 के अंदर 113 लोगों ने कहा ईजी, 129 लोगों ने कहा मॉडरेट। शिफ्ट 2 की बात करूं सिर्फ 41 लोगों ने ईजी कहा, और यहाँ पे हमारे पास 184 लोगों ने मॉडरेट कहा। ठीक, शिफ्ट 3 की बात करूं 95 लोगों ने ईजी, 156 लोगों ने मॉडरेट कहा। शिफ्ट 4 को 109 लोगों ने ईजी और 141 लोगों ने मॉडरेट कहा। हार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे हार्ड तो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, तो जब ईजी शिफ्ट हो तब भी कहा था लोग एस्पिरेंट बोल ही देते हैं कि हार्ड है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं जो शिफ्ट 2 है, ठीक है, इसे सबसे ज़्यादा लोगों ने हार्ड बताया, और एक्चुअली में सबसे ज़्यादा हार्ड है भी। राइट, अगर मैं पिछले 2 दिन का डेटा दिखाऊँ आपको तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे शिफ्ट 1 का डेटा है हमारे पास यहाँ पे, मतलब 10 मार्च का और 9 मार्च का डेटा है, लोगों के एवरेज एवरेज अटेम्प्ट्स कितने जा रहे थे, कितना एवरेज में स्कोर कर रहे थे, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक छोटा सा एक एनालिसिस था। ठीक है, जल्दी मिलेंगे आज शाम को फिर से आज के डेटा के साथ। साथ ही साथ काफ़ी सारे एस्पिरेंट सिलेक्शन पोस्ट का, जो मैंने कहा था कि मैं आपको अरेंज करके दे दूंगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप डायरेक्टली फिल कर पाएँ, आपका टाइम ना लगे, एसएससी की साइट ही नहीं चलती है यार। ठीक है, लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट का, फॉर्म नहीं भर पा रहे, और साइट सही से चल नहीं रही। 500 कुछ पोस्ट हैं, एक एक करके हम पोस्ट की डिटेल्स निकाल रहे हैं, जिससे कि अलग अलग करके आपको एक सेपरेट फाइल दे दी जाए जिससे कि आपका काम बच जाए। लेकिन वो दो पोस्ट डिटेल्स कॉपी करते हैं, इतने में सर्वर फिर से हैंग हो जाता है, एसएससी की साइट फिर से चलनी बंद हो जाती है। तो 4-5 दिन से हम लगातार लगे हुए हैं तब भी ये काम हो नहीं पा रहा। इसके पीछे रीजन ये है कि साइट सही से नहीं चल रही है। एसएससी की साइट चलती तो मैं एक दिन में ही आपको एक्सेल साइट बना के दे देता और आपको बता देता कि कौन कौन सी पोस्ट को आपको फिल करनी चाहिए। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे हैं कि इतनी सारी पोस्ट का एक एक डेटा कलेक्ट करना एसएससी की साइट प्रॉब्लम कर रही है। राइट, तो आप लोगों से ये कहूँगा कि जो पोस्ट आपको पता है कि आप 100% एलिजिबल है, उन पोस्ट के लिए अभी अप्लाई कर दीजिए। बाकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले हो सकता है एसएससी की साइट बीच में कभी सही चले, तो मैं एक्सेल शीट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको लगता है उनमें से किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो तब फिल कर देना। ठीक है, और बाकी कोई और क्वेरी हो सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म भरने से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं उससे रिलेटेड बना दूंगा। बाकी मेंस के आंसर की कल एक लीक हो गई थी, अब देखते हैं आज आ जाए तो अच्छा है, वरना सस्पेंस में बड़ी दिक्कत रहती है। ठीक, तो 6 मार्च की शिफ्ट के क्वेश्चंस जिनका पेपर था उन्होंने देख लिया होगा कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितना सोच रहे थे कि क्या से क्या हो गया, कैसे कैसे।
उम्मीद है आज शाम तक अगर आंसर किया जाए तो बढ़िया है, फिर अच्छे से एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस भी हम सारे के सारे एक बार मेंस के सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, जिससे कि और अच्छे से पैटर्न क्लियर हो जाए और आगे की हम फिर उस हिसाब से प्लानिंग करें 2023 की। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।